चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, ये करते हैं। करो तुम लोग सॉल्व करो जल्दी से। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट आर रेडियस है उसकी। चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो चार्ज डेंसिटी उसकी, रो चार्ज डेंसिटी है ना। सबसे पहले आउटसाइड वाले पॉइंट पे बता, आउटसाइड वाले पॉइंट पे सिमिलर आ जाएगी, करके देख लेना 2k लैम्डा बाय आर। यहां पे लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा को रो के टर्म्स में बोलो क्या होगा? लैम्डा रो के टर्म्स में क्या हो जाएगा? लैम्डा को क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कितना है बताओ? q इंटू एल। अगर एल लेंथ कंसिडर, लैम्डा क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, तो मान लो एल लेंथ में q चार्ज है, तो q बाय एल। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो अब q को क्या ले सकते हो रो के टर्म में? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय एल, ये लिखोगे। चार्जेज रो इंटू वॉल्यूम, एल से एल कट गया, तो एल अल्टीमेटली कट ही जाएगा, इंडिपेंडेंट आएगा क्योंकि इनफाइनाइट है वो। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितनी आ गई तुम्हारी? और के को क्या लिख देते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ रहा है ये आउटसाइड वाले पॉइंट पे? रो आर बाय, ये तो गलत है क्योंकि आर पता है स्मॉल नहीं कैपिटल आएगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई अपनी? 2kr ये टोटल चार्ज है ना सिलेंडर का एल लेंथ में, तो रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल बाई एल, तो एल से एल कट गया। के को रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कटा तो कटा। तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितनी आ गई? रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर 2k लैम्डा बाय आर। ये आउटसाइड वाले पॉइंट पे आ गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनसाइड वाले पॉइंट पे निकालो जल्दी से, ये तो आउटसाइड वाला हो गया। आउटसाइड इनसाइड निकाल लिया, कितना आया? इनसाइड निकालते हैं ना, इनसाइड। तो मान लेते हैं कहीं है, यहां पर है तुम्हारा पी पॉइंट, मानो अपना गॉसियन सरफेस मान लो सिलिंड्रिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड आएगी आर रेडियस का, मान लिया स्मॉल आर रेडियस का। तो इंटीग्रेंट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? E इंटू इंटीग्रेंट डी ए क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों सरफेस पे तो जीरो होगा, जैसा भी अपन ने पढ़ा था ना। तो E डी ए कितना है तुम्हारा? पाई, इस बार था स्मॉल आर स्क्वायर आएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस की देखो रेडियस स्मॉल आर है, इंटू एल, कोई एल लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, इन्फाइनाइट होता है तो तुम कोई एल लेंथ मान के कर लिया करो सॉल्व, ठीक है। और बताओ क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, इस बार स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई से पाई गया, स्मॉल आर से स्मॉल आर गया, एल से सब तो कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले पॉइंट पे कितनी आई? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो फॉर्मेट कितना अच्छा आ रहा है, वहाँ पे इनसाइड पे कितनी थी? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 3 डायमेंशन था, ये 2 डायमेंशन है, तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी दिखाएंगे 1 डायमेंशन में रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट ही निकल के आएगी, वो भी करने वाले हैं। हाँ इन्फिनिट लाइन सोर्स ही और क्या, वो आउटसाइड के लिए तो बिल्कुल बोल सकते हैं, वही रिजल्ट आ रहा है। तो आउटसाइड के लिए तो याद ही नहीं रखना, आउटसाइड के लिए तो 2k लैम्डा बाई आर होता है, अब वो चाहे वायर हो, होलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, कुछ भी नहीं करता, वो तो 2k लैम्डा बाई आर है। इनसाइड वाले बस याद रखने, और इनसाइड वाले भी बहुत आसान होते हैं, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो बाई रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ऐसे आसान से आएंगे, सब याद हो जाएगा। ग्राफ इसका कैसा आ जाएगा? इनसाइड आउटसाइड, अरे 2 डायमेंशन सिमेट्री, 2 डायमेंशन सिमेट्री, ठीक है, मतलब सिमेट्री बोल रहा था।
वहां पे तीनों डायमेंशन में सिमेट्री थी, सिलेंडर मतलब दो डायमेंशन में सिमेट्री है। बताओ जल्दी से आर वाई ई, पहले तो देखो राइज करेगा, देखो आर के प्रोपोर्शनल है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर देखो क्या आया था टू के लैम्डा बाई आर, ये हाइपरबोला है क्या भाई? खदो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 के लैम्डा 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल है ना, वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। जब 1 बाई आर स्क्वायर है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये है। पर ठीक है क्या अभी? चलो अच्छा इसमें ये बताओ बार बार नॉन कंडक्टिंग क्यों लिखते हैं? जब भी सॉलिड वाला कुछ आ जाता है मैं नॉन कंडक्टिंग लिखने लगता हूँ। हाँ इसलिए अभी जैसे सॉलिड स्फीयर माना था ना, अगर वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहेगा ना तो चार्ज अंदर रह ही नहीं पाएगा, रिपल्शन के कारण सारा चार्ज बाहर पे चला जाएगा। अभी हम कंडक्टर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंडक्टर्स में चार्ज कभी वॉल्यूम के अंदर नहीं रहता, वो हमेशा सरफेस पे आ जाता है। तो अगर तुम बोलोगे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर तो वो एक्चुअली स्फेरिकल शेल ही बन जाएगा, फॉर्मूला स्फेरिकल शेल वाली लगेगा, क्योंकि चार्ज तो सारा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और हम जो पढ़ रहे हैं हम तो चार्ज के टर्म में पढ़ रहे हैं ना, हमें मास से थोड़ी ना मतलब है यहाँ पे, हमें तो चार्ज से मतलब है। अगर चार्ज सरफेस पे तो हम क्या करेंगे, उसे स्फेरिकल शेल की तरह ट्रीट करेंगे। सिमिलरली हियर अगर ये कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर हो जाए तो सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, तो अगेन ये तुम्हारा रहेगा सॉलिड कहने के लिए, पर होलो की तरह ट्रीट करेंगे अगर ये कंडक्टिंग हो जाएगा तो, क्योंकि चार्ज सारा बाहर आ जाएगा।